मैं श्रेया शर्मा पंडित मोहनलाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की कक्षा 12 की छात्रा हूँ। आज मुझे मिशन शक्ति के तहत महिला थाना की थाना प्रभारी बनाया गया है, जिसमें मैंने आज यहाँ आकर थाने का निरीक्षण किया है, यहाँ के स्टाफ को जाना है, यहाँ के फरियादियों की फरियाद को देखा है और बाहर जाकर जो संदिग्ध वाहन और व्यक्ति थे उनकी चेकिंग करी है और मैंने यहाँ बाहर पेट्रोलिंग भी करी है और यहाँ का दौरा करा है। और मैं मिशन शक्ति के तहत उन महिलाओं को संदेश देना चाहती हूँ जो अपने अधिकारों जो अपने मौलिक अधिकारों से भी जानने से वंचित हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वे अपने अधिकारों को जानें और सतर्क रहें, सजग रहें, ताकि वे अपने खिलाफ अपने साथ या किसी भी अन्य महिला के साथ होने वाले गुनाह को रोक सकें और उसमें आवाज उठाए बिना ये डर के कि अगर हम किसी भी मैनली ईगो रखने वाले व्यक्ति का ईगो हर्ट करते हैं तो वो हमारे साथ क्या कर सकता है। हमें ये डर अपने मन से बिल्कुल निकाल देना चाहिए। जैसे कि मैं भी एक लड़की हूँ, कभी कभी अगर मेरे साथ भी ये व्यवहार होता है तो मुझे ये डर लगे कि अगर मैंने किसी भी व्यक्ति का ईगो हर्ट कर दिया या मैंने उसके साथ जो उसने मेरे साथ बदतमीजी की है मैंने उसका अगर एक्शन ले लिया तो वो मेरे साथ क्या करेगा। इस डर को बाहर निकालकर मुझे अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा, क्योंकि मिशन शक्ति तभी सफल हो सकता है जब इस देश के प्रत्येक पुरुष समाज इस महिला आज की महिला की इज्जत करेंगे, क्योंकि इज्जत करेंगे तो गुनाह होंगे नहीं। और क्योंकि आपकी बेटी हमारी बेटी, आपकी बहन हमारी बहन, अगर ये धर्म और ये चीज लागू हो गई तो आज किसी भी बहन बेटी के साथ कोई भी गुनाह नहीं होगा, उनको किसी भी एसिड अटैक, रेप अटैक या किसी भी गंदी हरकत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी इंसान है, उनको भी तकलीफ होती है। तो मिशन शक्ति के तहत मैं उन सभी महिलाओं को जो पढ़े लिखे हैं वो अपने अधिकारों को जानते हैं, लेकिन जो गाँव में रहते हैं जो पढ़ नहीं पाती है महिलाएं, उनको भी कहना चाहती हूँ कि आप अपने अधिकारों को जाने कि पुलिस सिर्फ आपकी सेवा के लिए, आप आए महिला थाने, आए अपनी शिकायत को लिखाएं, आपके लिए तुरंत कार्रवाई होगी। धन्यवाद।